हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और क्रोशिये का डिज़ाइन लेके आई हूँ और इसके लिए मैंने 17 डबल क्रोशिये कर लिए हैं और एक सिंगल क्रोशिया से रो बना लेंगे। डिज़ाइन हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, तो एक रो हम सिंगल क्रोशिया की कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो यहाँ मैंने एक रो सिंगल क्रोशिया से कर ली है, तो यहीं से डिजाइन हमने स्टार्ट कर देना है। दो चेन कर लेंगे, और चार मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया से स्टिच लगा लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पांच चेन बनाएंगे। पांच चेन, एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे, चौथे पे हम टक कर लेंगे इस तरह से। अब तीन चेन बना लेंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले पे टक कर लेंगे। अब फिर हमने पांच चेन बनानी है, तो एक दो तीन, चौथे पे चले जाएंगे और चार डबल क्रोशिया हमने लगा लेने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाए हैं। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, दो चेन करेंगे, चार ये वाले स्टिच लगा लिए हैं हमने। ये फ्रेंड्स हमने डिस्टेंस के लिए रखते हैं ये स्टिच, जैसे हम आगे इस तरह से बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बीच बीच में चार स्टिच रखे हैं। आप चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दो चेन बना लेनी है, तो दो बार इसको ऐसे टैप कर लेना है क्रोशिया हुक पे, एक दो तीन, ट्रिपल क्रोशिया कर रहे हैं यहाँ हम। ये देखिए, एक दो तीन, जब हम दो बार रैप करते हैं तो हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया होता है, एक दो और तीन, एक दो तीन। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि बीच बीच में मैं आपको क्रोशिया से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, तो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिस हो जाएगा जो शायद आपका प्रोजेक्ट बनाने में बहुत काम आने वाला हो। यहाँ हमने सात बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब दो चेन बना लेंगे और ये वाले चार स्टिच लगा लेंगे, एक दो तीन चार। यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया लगा लेने हैं, एक
देखिए एक चेन करेंगे एक दो तीन तीन चेन की तो यहाँ पे हमने टक कर लिया ऐसे फिर से तीन चेन करेंगे तीन तो ये देखिए यहाँ पे हमने टक नहीं करना इसको इसके अंदर ऐसे टक करना है दो तीन देखिए यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है ये हमने यहाँ ऊपर नहीं बुनना इसके अंदर ऐसे टक करना करेंगे अब देखिए तीन चेन कर लेंगे दो तीन यहां पर हमने चार डबल क्रोशिया कर लेने हैं एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिया कर लिए तो यहाँ पे टक कर लिया पहले वाले में इसके बाद एक दो तीन यहाँ आ जाएंगे एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे नेक्स्ट रो पे आ गए दो एक दो तीन चार पांच पांच चेन की यहाँ पे टक कर लेंगे एक एक दो तीन एक दो तीन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे एक दो तीन एक दो तीन चार पांच नेक्स्ट रो पे आगे एक दो तीन चार पांच पांच चेन की है फ्रेंड्स यहाँ भी हमने पांच चेन की है यहाँ भी हमने पांच चेन की है एक दो तीन एक दो तीन
यहाँ फ्रेंड्स हमने छह चेन बना लेनी है, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ पे इसको टक कर लेना है। फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ पर हमने एज स्टिच लगा लेनी है। नेक्स्ट रो पे आ गए, दो चेन करेंगे, यहाँ फ्रेंड्स दो चेन बना लेंगे, दो बार क्रोशिया हुक पे रैप कर लेंगे थ्रेड को, तो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम सात बार, एक दो तीन चार पांच छः सात, यहाँ पर दो चेन बना लेंगे और चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा सेकेंड वाला डिजाइन स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक बार हमारा कंप्लीट हो गया था, दूसरा स्टार्ट कर दिया है मैंने, इस तरह से बनेगा ये फ्रेंड्स। जब हम इसको बनाते हैं पूरे प्रोजेक्ट में बहुत खूबसूरत लगता है, ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है ये। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, बहुत खूबसूरत डिजाइन फ्रेंड्स, आप बनाइए और फीडबैक मुझे देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।